विस्तार तो बहुत है। उनका जो पक्ष था वो साधक के पौरुष पर और उन्नति पर और अभ्यास पर, और वो अभ्यास के परिपाक को ऐसा स्वीकार करते थे और ऐसा प्रतिपादन बोलते थे, श्लोक आतिवाहिक देहोयम शुद्ध चित व्योम केवल आदि भौतिकताम नीता अस्याभ्यास निर्मितम। ये श्लोक बार बार बोलते थे कि शरीर तो आतिवाहिक है, आतिवाहिक माने भीत के छेद को, भीत को छेद के निकल जाए, माने पहाड़ भीत समुद्र इसको रोक नहीं सकते, ये तो अत्यंत सूक्ष्म है मनुष्य का शरीर, लेकिन अपने को हड्डी मांस चाम का मानते मानते देखो ये अभ्यास का फल है कि ये आदि भौतिक हो गया है। तो ये वैज्ञानिक लोग तो मानते हैं ना कि अधिभूत से अध्यात्म पैदा होता है, ऐसा मानते हो, भौतिक वस्तुएं से सुख से अध्यात्म वस्तुएं पैदा होती है, अध्यात्म भाव पैदा होता है। और आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि अध्यात्म से अधिभूत बनता है, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों को अनादि मानते हैं, मन भी अनादि है और शरीर की परंपरा भी। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को सादि मानते हैं, कुछ जो परमार्थित पुरुष वो जानते हैं कि शरीर और मन ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तब तक तो अलग अलग काम कर लेते हैं। शरीर मर गया, मन लोक परलोक में पुनर्जन्म में जाएगा, और पहले मन था वासना के अनुसार शरीर मिल गया। लेकिन जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं वो जानते हैं कि असल में अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो मिथ्या है तो तीनों मिथ्या है, और ब्रह्म है तो तीनों ब्रह्म है, ब्रह्म है तो तीनों ही ब्रह्म है, और मिथ्या है तो तीनों ही मिथ्या है। इसलिए तत्वज्ञ के शरीर को छोड़ के मन नहीं जाता है, वो तत्वज्ञ के शरीर के नाश के साथ ही तत्वज्ञ का मन भी नष्ट हो जाता है। मन उसको न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, यही वो प्रविभयन्ते। तो तत्वज्ञ की दृष्टि में स्थूल और सूक्ष्म का अंतर नहीं है, स्वप्न और जागृत का अंतर नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म का अंतर नहीं है। इसलिए तत्वज्ञ के शरीर के साथ ही उसके सूक्ष्म शरीर का भी विलय हो जाता है। और जो अज्ञानी लोग हैं वो तो सब अलग अलग करके रखते हैं ना स्वयं, और उनके मन में जो अलगाव का भाव है वो एक स्वप्न के बाद दूसरे स्वप्न की सृष्टि कर लेता है, दूसरे स्वप्न के बाद तीसरे स्वप्न की सृष्टि कर लेता है, और एक एक स्वप्न लाखों लाखों बरस के मालूम पड़ते हैं। तो अज्ञानी का मन ही नवीन स्वप्न की सृष्टि करता है, तत्वज्ञ का जो मन है वो तन के साथ ही स्वाहा। इसलिए नरक स्वर्ग जन्म मरण ये सब तत्वज्ञ का नहीं होता है। गीता में ये श्लोक संभाव ये माने वासनावान के लिए, वो तो उत्क्रामंतम स्थितम वापी गुंजानम विमूढ़ा गुणान्वितम न अनुपश्यन्ते। ज्ञान चेतसस्तु गुणान्वितमेव उत्क्रामंतम स्थितम पश्यन्ते। जो मूढ़ लोग हैं वे ये नहीं देखते कि ये जो गुणोपाधिक जो जीवात्मा है तामस राजस सात्विक भावों को अपने में आरोपित करने वाला वो उत्क्रांत होता है, वो स्थित होता है, उत्क्रांतम स्थितम बात गुंजान वो भोग करता है। विमूढ़ लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये उपाधि मूलक उत्क्रमण स्थिति
और भोग है, ये नहीं मालूम पड़ता। ज्ञान चक्षु लोग जो हैं, वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये गुणान्वित है, ये जो जाता है आता है मरता है जीता है ये सब गुणान्वित का काम है, अपने ही स्वरूप का नहीं। वहां एक अद्भुत ये है कि वहां ईश्वर शब्द का प्रयोग जो है वो जीव के लिए हुआ है। वो श्लोक मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि शरीर स्थानि कर्षति शरीरम जदवाप्नोति जज्जापुत्क्रामतीश्वरः गृहीतो इतानि संजाते, वहां ईश्वर शब्द का प्रयोग जीव के लिए। और वो क्या नाम है, भागवत में जीव शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए, स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्म रूपम मात्रा स्वरोवर में अभिष्ठा। जीव संपूर्ण विश्व को जो जीवित करता है वो जीवन दाता ईश्वर है, स्वेश जीव। और यहाँ जच्चा कृतक्राम ईश्वर गमनागमन वाले को ईश्वर कहा, तो वहां सामर्थ्य से मतलब है वो इंद्रियों को मन स्वच्छ इंद्रियों को लेकर जाने आने में समर्थ है, क्योंकि वो गुणान्वित है। और मामुपेत्य तो कौन थे या पुनर्जन्म निपेत्य थे, जद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये अलग है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामे किसो, ऐसे वर्णन ने किस स्थल पर। ये तो खिलाड़ी लोग जो है ना वो ऐसे ही खिलाड़ी। देखो ये भी तो एक नई सूझ है कि कहां तो लोग एकांत जंगल में जाते हैं, तत्वज्ञ महापुरुष की सेवा करते हैं, और शांति दांति आदि गुण से संपन्न होते हैं, मुमुक्षा होती है, जिज्ञासा होती है, सद्गुरु की शरण लेते हैं, तब उनको वेदांत का श्रवण मिलता है। और ये महाराज युद्ध भूमि में मारो मारो काटो काटो चारों ओर बोल रहा है, और बड़ा बन के नहीं छोटा बन के, रथी बन के नहीं सारथी बन के, और तत्व ज्ञान का उपदेश, ये खेल नहीं तो और खेल वो होता है जिससे संस्कार उत्पन्न नहीं खेल से। जो कर्म बिना अपेक्षा बुद्धि के हो गए, कर्म में जब अपेक्षा बुद्धि होती है ना, कर्तृत्व होता है और अपेक्षा होती है, तब तो कर्म से संस्कार उत्पन्न होता है। ईश्वर में अपेक्षा नहीं होती है। और कर्तृत्व जो होता है वो दूसरों की दृष्टि में होता है, ईश्वर के अपनी दृष्टि में नहीं, इसलिए उसके जितने कर्म होते हैं वो खेला रूप ही होते हैं। खेल माने खेल आकाश से लिए, जो कुछ किया वो आकाश में उड़ गया, वो अपने साथ नहीं जुड़ा, वो आकाश में उड़ गया। कर्ता के साथ जब जुड़ जाता है ना, ये अपूर्व उत्पन्न होके जब अंतःकरण या कर्ता में जुड़ जाता है, तब वो आगे फलप्रद होता है। और जो कर्म कर्ता के साथ जुड़े ही नहीं, अंतःकरण में अपूर्व की उत्पत्ति हुई नहीं, वो स्वर्ग नरक देने वाला नहीं होता। तो ये खेल जिसको बोलते हैं वो ऐसा ही है। तो नमाम कर्माणि लंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम जो भी जाना थी कर्म फिर न सब। सतमुच हो
ईश्वर ज्ञान में सहायक है, बाधक नहीं है। ईश्वर योग में सहायक है, बाधक नहीं है। देखो अवधूत गीता सरीखी पुस्तक बिल्कुल तो छूट पट्टी है ना, एकदम फटाफट निर्द्वंद। और बोलती ईश्वरानुग्रहा देव पुंसा मध्वैश्वर, ये अवधूत गीता में है। और अवधूत गीता में चाहे पीछे से जुड़ा के पहले था ये तो मालूम नहीं, खंडन में ये श्लोक है। मान श्री हर्ष ने खंडन खंड खाद्य में है ये श्लोक दिया, ईश्वरानुग्रहा देव पुंसा मध्वैश्वासना महद भय परित्राणा वित्राणाम उपजाए। हमारे जब ब्राह्मणत्व का बहुत अभिनिवेश था तब हम इस श्लोक को ऐसे नहीं पढ़ते थे, हमारे पहले बहुत अभिनिवेश था ब्राह्मणत्व का, तो हम महद भय परित्राणाद हेतो विप्राणाम उपजाए थे, ऐसे पढ़ते महद भय परित्राणा विप्राणाम उपजाए है ना, विप्राणाम है ना। और तो बहुत बढ़िया बात, हम हमको ऐसा अब हमने देखा पुस्तकों में तो द्वित्राणाम उपजायते हमको मिला। तो मैंने कहा भाई अब यही नया पाठ जो है यही मानना चाहिए। हमने बचपन में खंडन आदि खंडन द्वित्राण दो तीन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतताम अभी सिद्धानाम कश्चित माम दे। देखो पहले हम शुक्ल यजुर्वेद में ये उपकरण करने भी पढ़ते थे, तो यसे वही देव हितम यदारभ्य ऐसे पढ़ते थे। अब जब गए दूसरी जगह तो वहां ब्राह्मण लोग पढ़े व्यसेम देव हितम यदारभ्य, व्यसे मही न पढ़ते। और तो देखा मंगा तो ऋग्वेद में व्यसेम पाठ है, व्यसेम है यजुर्वेद में बेसेम ही पाठ है। तो हम लोग यजुर्वेदी हैं, हमारे यहाँ ऐसे पढ़ा जाता था। अब जिनको नहीं मालूम है वो कहेंगे कि वो अशुद्ध है और वो कहेंगे वो अशुद्ध है, दोनों दो वेद के पाठ हैं। कई बार हम लोग जो लड़ते हैं वो अज्ञान बस ही लड़ते हैं। संपूर्ण वाद विवाद में प्रज्ञा अपराध ही हेतु है। जिसकी अमत पर दृष्टि है वो मतिकृत भेद पर जोर क्यों दे। जिसका सिद्धांत है अमत यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सर, उसके मतभेद क्या है। मतिकृत गुण दोषा माम विभुम न स्पृशन्ति शंकराचार्य भगवान श्लोक है, मतिकृत गुण दोषा माम विभुम न स्पृशन्ति। अपने दृष्टिकोण में अभिनिविष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो प्रणाली है, श्रुति है ना, पाठ में इस तरह का भेद होना तो स्वाभाविक है। न अर्थ में कोई भेद नहीं, ज्ञान की चोरी तो है ही नहीं। शब्द में अधिकार अधिकार होता है, ये जो हमारे वैदिक लोग जो हैं वो शब्द के बारे में कहते हैं कि ये यज्ञोपवीति बोले, ये यज्ञोपवीति बोले, ये स्त्री न बोले, ये पुरुष न बोले, वो शब्द विषय है, ज्ञान विषय तो चोरी है ही। स्वयं शंकर भगवान ने शंकराचार्य ने सुरेश्वराचार्य ने स्पष्टम स्पष्टम अनेक स्थलों पर लिखा है, ज्ञान में कोई बाधा नहीं है। वो स्त्री को भी हो सकता है, अंत्यज को भी हो सकता है, शूद्र को भी हो सकता है, ज्ञान में बाधा नहीं है। ये कारिका के भाष्य में भी है, पांडु के कारिका के भाष्य में जे के जो अवंती है सुनिष्ठता ते ही लोके महाज्ञाना तच्च लोकोनगाह के ऐसे है, उसके पास में आचार्य सुरेश्वराचार्य ने वार्तिक में शांति दांति आदि सद्गुण जहां आवे और जिज्ञासा जहां उत्पन्न हो जाए
वहां तत्व ज्ञान का उदय हो सकता है, परंतु जो वेद मंत्र से हो ये अपेक्षित क्यों? इसलिए तो पुराण है, भाषा के ग्रंथ है। भगवान यदि सबका है तो सबके लिए उसका द्वार, भगवान सबका हो और उसको सब प्राप्त न कर सकते हो ऐसा नहीं, और सब जगह मिल सकता है, उसके लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं हो सकती और कोई कालिक सीमा नहीं हो सकती कि अमुक काल में मिलेगा, कोई जातीय सीमा भी नहीं हो सकती, यहां तक कि कोई कार्मिक सीमा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां वो कर्म हो रहा है वहां परमेश्वर है कि नहीं है, उसको फाड़ के निकल सकता है खंभे में से, वो हिरण्यकश्यपु के सभा भवन में जो लकड़ी का खंभा था ना, सूखी लकड़ी का था, बहुत सूखा वर्षों का बना हुआ सूखी लकड़ी का खंभा, उसको भगवान ने अपना बाप बना लिया उसके पेट में से निकल, जो मछली बनता है, कछुआ बनता है, सुपर बनता है, घोड़ा बनता है, जो मंडूक के मुंह से वेद मंत्र का उच्चारण करवाता है, मंडूक सुख है वेद में, ऋग्वेद में मंडूक सुख है, वशिष्ठ जी ने कारी रेष्टि की उसकी सफलता के सूचक मंत्र मेढक बोलते हैं, अब उनका क्या यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कि वो किसी वैदिक ब्राह्मण के मंत्र बन रहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद मांडू के ऊपर श्वेताश्वतर आत्मपुराण में ऐसे ऐसे पशु पक्षियों के मुंह से और ऐसी ऐसी पतन अवस्था में तत्व ज्ञान का उदय दिखाया हुआ है मौलिक ग्रंथों में, ऐसी ऐसी जातियों में, ऐसे ऐसे खान पान वालों में, कि ऐसा लगता है कि भाई परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, जब सब कुछ वही है तो कहीं भी उसको जाहिर होने में क्या लगता है, तो हम पहचानते नहीं, ये नहीं कि उसके जाहिर होने में कोई अंतर है, हम उसको पहचान नहीं पाते, जहां पहचानने वही। बाबा एक आदमी कहता था एक साधु से कि हमको भगवान का दर्शन करा दो, पंडित थे तो वो उसने कहा बाबा कोई भगवान हमारे बस में थोड़ी है कि हम जब चाहें जब दर्शन करा दें, काहे को तुम हमको परेशान करते हो, रोज डांटे हो, लेकिन वो तो माने ही नहीं, बोले हमको भगवान का दर्शन करा दो। तो उसने कहा ध्यान करो भगवान मिलेंगे, अच्छा ध्यान ही बता दो, अब रोज रोज उनके पीछे पीछे घूमे, ध्यान बता दो ध्यान बता दो, बोले जा भगवान बकरे की तरह होते हैं, जैसा बकरा वैसा भगवान, बकरे का ध्यान कर। अब महाराज बकरे का ध्यान करने लगा कि यही साक्षात भगवान बकरे का, और बकरे का ध्यान करने लगा तो भगवान तो जानते हैं कि मेरा ध्यान करता है, सो महाराज मलूक बन के बड़े सुंदर बन के मुकुट उकुट धारण करके और पीताम्बर ओढ़ के संघ चक्र गदाधारी होके उसके सामने आए कि लो मैं भगवान हूँ दर्शन करो। उसने कहा कि तुम भगवान हो इसमें क्या प्रमाण, हमको तो गुरु जी ने बताया है कि बकरे की तरह का भगवान होता है और तुम तो ये पीताम्बरधारी संघ चक्र गदा पद्म मुकुट धारण करके चमाचम चमकते हुए चमकने हो, तुम हमारे भगवान नहीं। तो नहीं बाबा हम भगवान हैं, तुम मानो तो सही, कहा मानेंगे कैसे, हमारे गुरु जी ने बताया बकरा भगवान होता है, तो तुम बकरा बन जाओ तो हम मान ले। उन्होंने कहा चलिए भाई बकरा बन जाते हैं, अब बात करने लगे कि अच्छा अब तो मान कि मैं भगवान हूँ, तो बोला कि नहीं हम तो अपने गुरु जी के पास के गए, जब वो कह देंगे कि ये भगवान है तब मानेंगे। अब मानो कैसे, ले चल भाई चल, कहाँ ले चलता है। तो बोला कि कहीं तुम बीच में से भाग गए तो,
तो हम तो कान पकड़ के ले चले अब वो बकरे का कान पकड़ गुरु जी के पास पहुंचा। और गुरु जी ने तो उसको बेचारे को डांटने के लिए बकरा बताया था, अब उनकी तो पहचान ही नहीं आ रही है भगवान है, और भगवान बकरा बने। फिर उसने कहा कि हे भगवान, अगर तुम भगवान हो हमारे सामने जैसे पहले आए थे और फिर बकरा बन गए, हमारे गुरु जी को दर्शन दो। तो भगवान ने कहा, भाई जब तक गुरु जी प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक तुम्हें भगवान से कहूंगा, तो फिर बकरा से फिर चतुर्भुज बने, है ना। तब गुरु जी ने कहा हाँ हाँ यही भगवान। देखो वस्तु जहाँ स्वर्ण है शुद्ध है, वहाँ उसकी आकृति मछली बनी कि सुअर बनी कि बकरा बनी कि है ना कि घोड़ा बनी, आकृति ने उसका नाम क्या रखा गया, इससे क्या बनता बिगड़ता है। वो तो सोना तो सोना ही है। अब एक सोने का पत्थर बना, उसमें महल बना, उसी पत्थर पर राजा बना, रानी बनी, नाना प्रकार के भोग राग बने, उसी में शौचालय बना, उसी में तट्टी बनी। बोले अरे राम राम, ये गंदा, ये अशुद्ध है, ये पवित्र है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन है सब तो स्वर्णातिरिक्त और कुछ नहीं है। ये भागवत में ऐसे आया, नहीं विकृतिम त्यजंति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतम अनुप्रविष्ट मिदम आत्मतया वसितम। नहीं विकृतिम त्यजंति कनकस्य तदात्मतया, जितने आकार विकार प्रकार हैं वो सब स्वर्ण के ही हैं, चाहे संस्कार हो, चाहे विकार हो, चाहे आकार हो, चाहे प्रकार हो। ये नहीं है कि हम सोना रखेंगे और कंगन पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है। राम राम कहो ठीक है, श्याम राम कहो ठीक है।